अमरीश मेरे साथ इस फिल्म में एज अ हीरो हैं, उनका भी कैरेक्टर बहुत फनी है, और जैसे मैं चोर नहीं हूँ तो वो चोर हैं, और हम दोनों का 36 का आंकड़ा होता है कि मीन्स कभी कभी मैं उनको हरा देती हूँ, वो मुझे हरा देते हैं चोरी करने में। उनका रोल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उनके साथ केमिस्ट्री भी मेरी बहुत अच्छी लग रही है, और आई नो कि ऑडियंस को अमरीश जी का लुक और अमरीश जी के साथ मेरी केमिस्ट्री अच्छी लगेगी। अब बात करें बिहार में आपकी फिल्म इंसाफ की देवी ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जो कि दर्शकों के लिए एक सब्जेक्ट भी था। जी इंसाफ की देवी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, हालांकि चुनाव की वजह से सेकेंड वीक में फिल्म को थोड़ा सा चुनाव का माहौल झेलना पड़ा, लेकिन फर्स्ट वीक के कलेक्शंस माइंड ब्लोइंग थे इंसाफ की देवी के, और कुछ नया सब्जेक्ट था, नया मींस जो अभी हो रहा है, एक्चुअल में जो रियल में हो रहा है उस पर सब्जेक्ट था, और लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं उसमें वकील बनी हूँ, लोगों ने मेरा भी काम पसंद किया, उस सब के लिए थैंक्स। मैडम, आपकी एक फिल्म आ रही है रियल इंडियन मदर, जी उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल डिफरेंट फिल्म है, मतलब मेरे लिए, मेरे करियर के लिए टू चैलेंजिंग किरदार, चैलेंजिंग रोल, तीन रोल किए हैं उसमें मैंने, एक ओल्ड लेडी, एक यंग, और मीन्स तीन बच्चों की माँ का किरदार किया है उसमें मैंने, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग किरदार है। आई होप कि लोग उसको कंपेयर काफ़ी फिल्मों से करेंगे, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स आ चुके हैं, बट भोजपुरी में ऐसा पहली बार आया है। एक्चुअल में जो गांव है, गांव बेस्ड स्टोरी है, किसानों के ऊपर स्टोरी है, तो लोग बहुत पसंद करेंगे उस फिल्म को, और मेरे लिए लाइक एग्ज़ाम जैसा है कि लोग क्या कहेंगे मेरे लिए। आपके अपोजिट में कौन रहे हैं? उसमें मेरे अपोजिट मनमोहन तिवारी जी हैं, मनमोहन जी हैं, संजय पांडे जी हैं, और देव हैं, काफ़ी एक्टर हैं, काफ़ी सपोर्टिंग एक्टर, तो काफ़ी अच्छे हैं। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, इमोशन मीन्स कई ऐसे सीन्स मैंने किए हैं जिसके लिए मुझे कीचड़ में भी बैठना पड़ा, कीचड़ लगाना पड़ा अपने ऊपर, तो ऐसे कई सारे सिक्वेंसेस हैं जो लोगों का मन जीत सकते हैं, दिल जीत सकते हैं। Thank you.